नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का जो मतदान है वो जारी है। ऐसे में कई दिग्गज नेता के जो किस्मत है वो दांव पर लगे हुए हैं। इस बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो कि लवली आनंद की है। वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची है। आपको बता दें कि सहरसा के MLT कॉलेज में मतदान संख्या 209 पर प्रत्याशी और पूर्व सांसद रह चुकी लवली आनंद मतदान के लिए पहुंची है, जहां उन्होंने अपना मतदान किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाया है कि प्रशासन की तरफ से जो है बहुत सारी गड़बड़ियां की जा रही है, साथ ही साथ वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन के जीत का ऐलान किया है। लवली आनंद ने यह दावा किया है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन जो है वो जीत हासिल करेगी और तेजस्वी यादव जो है बिहार के CM बनेंगे। विशेष क्या कुछ कहा लवली आनंद ने, आप खुद सुनिए। देखिए, इस बार ना मतदाता में बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन हमने देखा है घूम करके कि हर जगह प्रशासन की तरफ से डिस्टर्ब किया जा रहा है। कहीं जो है EVM ये कि है गड़बड़ है, दर्जनों अभी ऐसा है जिसमें EVM खराब है और 2 घंटा से ज्यादा हो गया है उसको ठीक नहीं कराया जा रहा है। कहीं स्लो मतदान कराया जा रहा है, कहीं घंटों रखा जा रहा है। इस तरह से प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस किया जा रहा है। जो हमारा बूथ है, जो बाकी लोग का है जिधर वोटर, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से हमारा वोटर को परेशान किया जा रहा है, डिस्टरबेंस किया जा रहा है। लेकिन जीत होगी यहाँ पर, महागठबंधन की होगी, राजद की होगी। पूरे बिहार में जो है राजद की जीत होगी और इसीलिए यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और 2 घंटा से ज्यादा हो गया, EVM बहुत जगह अभी तक लाया नहीं गया। हमने काफी जगह करवाया लेकिन 2-2 घंटे से EVM खराब हो और तुरंत कार्रवाई नहीं किया जाता है। दर्जनों ऐसा है, करीब 50 जगह से अभी हम देख लिया है कि EVM गड़बड़ है, 2 घंटा से ज्यादा होने के बाद भी नहीं दिया जाता है, लेकिन कहीं दिया है और स्लो मतदान कराया जा रहा है। घंटों महिलाओं को खड़े करके रखा जा रहा है, कहीं कहीं महिलाएं लौट रही हैं। इस तरह से परेशान किया जा रहा है हमारे वोटर के साथ।